च्या उबाठाच्या ज्या जाहिराती आहेत त्या जाहिरातीमधलं जे पात्र आहे हे पात्र पॉर्न स्टार आहे. अगले दो दिन में चित्रा बाघ जी अपने शब्द वापस ले और मुझसे माफी मांगे. की उद्धव बाळासाहेब ठाकरे यांच्या ज्या ऍडव्हर्टाइजमेंट येत आहेत, जे आपण असं म्हणू की आदुबाळ नाईट लाईफ प्रोडक्शन प्रायव्हेट लिमिटेडच्या या आदुबाळ नाईट लाईफ प्रायव्हेट लिमिटेड प्रोडक्शन हाऊसच्या उबाठाच्या ज्या जाहिराती आहेत त्या जाहिरातीमधलं जे पात्र आहे हे पात्र पॉर्न स्टार आहे. हा फोटो तुम्ही पाहू शकता. हे जे पात्र उद्धव बाळासाहेब ठाकरे जे महाराष्ट्रामध्ये अतिशय किळसवाण असं पॉप पार्टी आणि पॉर्नची संस्कृती आणायचा प्रयत्न करतायत, त्यांच्या या आदुबाळ नाईट लाईफ प्रोडक्शन प्रायव्हेट बनवलेल्या या उद्धव बाळासाहेब ठाकरेंच्या ज्या जाहिराती आहेत त्याच्या मधला जे पात्र आहे हे पात्र एक पॉर्न स्टार आहे. आणि हा पॉर्न स्टारच विचारतो त्या जाहिरातीमध्ये की महिलांवरचे अत्याचार कधी थांबणार. नमस्कार, मैं प्यारली नयानी उर्फ राज नयानी मुंबई से. मैं चरित्र कलाकार हूं. सबसे पहले मैं क्षमा चाहूंगा कि मैं अपना ये स्टेटमेंट एक दिन लेट रिकॉर्ड कर रहा हूं, क्योंकि कल सुबह से देर रात तक मैं शूटिंग पर बिजी था. कल सुबह मुझे पता चला बीजेपी की नेता चित्र वाघ जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाकर ये दावा किया और मुझ पर लांछन लगाया कि मैं एक पॉर्न स्टार हूं, जो मेरे लिए बहुत ही शॉकिंग है, क्योंकि मैं एक मुंबई पर मध्यम वर्ग से चरित्र कलाकार हूं. उनके इस दावे की और मुझ पर यह लांछन की मैं घोर निंदा करता हूं और कड़ा विरोध करता हूं. और मैं चाहता हूं कि अगले दो दिन में चित्रा बाघ जी अपने शब्द वापस ले और मुझसे माफी मांगे. अगर वो ऐसा नहीं करती है तो मुझे ना चाहते हुए भी उन पर मनहानी का केस दाखिल करना होगा. आई फाइल अ डिफेमेशन केस अगेंस्ट हर फॉर डैमेजिंग माई कैरेक्टर इमेज एंड पर्सनैलिटी. जैसे कि मैंने बताया कि मैं एक चरित्र कलाकार हूं. मैंने ढेर सारे शोज, वेब सीरीज, बॉलीवुड फिल्में और एड्स की है. कुछ दिन पहले शिवसेना श्री उद्धव बाळासाहेब ठाकरे जी के एक विज्ञापन में मैंने काम किया, और जैसे ही चित्रा बाघ जी को इस बारे में पता चला उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाकर मेरे कुछ वेब सीरीज के फोटो प्रिंट करके प्रेस कॉन्फ्रेंस को दिखाकर यह दावा किया कि मैं एक पॉर्न स्टार हूं. चित्रा बाघ जी, आप एक पढ़ी लिखी महिला हैं एंड यू आर अ वेरी ग्रेट पर्सनैलिटी एंड इट इज वेरी शॉकिंग कि आपने ऐसा किया. आपको अच्छी तरह से पता है कि हम चरित्र कलाकार कहानी के अनुसार किरदार निभाते हैं और ये सब करते आते हैं. भूतकाल में भी ऐसा हुआ, वर्तमान काल में भी ऐसे ही हो रहा है. कहानी के अनुसार हम किरदार निभाते हैं. हम एक कैरेक्टर आर्टिस्ट हैं. जी हाँ, उनके इस लांछन से मैं और मेरा परिवार काफी डिस्टर्ब है. मैं ये स्टेटमेंट अपना इमोशन छुपा कर रहा हूं. मैं मुंबई से हूं. मुंबई में पैदा हुआ, मुंबई में ही पढ़ाई की और मुंबई में ही काम कर रहा हूं. मैं एक मध्यम वर्ग का चरित्र कलाकार हूं. मैं कोई पॉर्न स्टार नहीं हूं. पिछले 8 साल में मैंने अपने 3 परिवारजनों को खो दिया है. उनमें से 2 को कोरोना काल में खो दिया है. अभी हम सिर्फ 3 जन इस दुनिया में हैं. एक पिता होने के नाते अपने 2 बच्चों की मैं परवरिश कर रहा हूं. मेरे लिए बहुत ही शॉकिंग है कोई पॉलिटिकल नेता अपने
पॉलिटिकल सिचुएशन सिनारियो के लिए मेरा इस्तेमाल कर रहा है और मुझ पर यह लांछन लगा रहा है, तो मैं चाहूंगा कि वो अपने शब्द वापस ले और मुझसे अपोलोजाइज करे। मैं किसी पॉलिटिकल पार्टी या किसी इंडिविजुअल को सपोर्ट नहीं करता हूं इस इलेक्शन में या कोई भी पॉलिटिकल सिनारियो में। मैं एक भारतीय हूं, मेरे लिए मेरा देश सबसे पहले और देश के सारे देशवासी मेरे लिए एक समान है। आई लव माई इंडिया, मेरा भारत महान, बस इतना ही कहना चाहूंगा। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। राजकारणातील प्रत्येक अचूक बातमीचे सर्वात आधी अपडेट्स मिळवण्यासाठी सरकारनामाच्या सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मला लाईक, फॉलो आणि सबस्क्राईब करा। तसंच सर्व नोटिफिकेशनसाठी बेल आयकॉन प्रेस करायला विसरू नका।